मॉर्निंग गाइस, सो वी हैव वोक अप और अब हम जो पुराना घर है नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने, वो ड्रेस डाली क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है एज यूजुअल, लड़कियों के पास कपड़े होते ही हैं। सो अभी हम पुराने घर जा रहे हैं जहाँ पे पहले मामा जी और रहते थे, वो नीचे जाके है, मैं भी वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। सब हम वहाँ पे जा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है उसका। छिंज चल रही मम्मी है ना, छिंज है ये पहाड़ियाँ और ये पथरीला रास्ता। पहले जब बस लेनी होती तब जब हम नीचे रहते थे तो हम वहाँ से ऊपर आते थे भाग भाग के, और मैं जब स्कूल भी यहाँ से जाते तब भी यहाँ से भाग भाग के जाना, बस लेनी 8 बजे जाती थी बस, तो वो बस लेनी। ये घर है यहाँ पे पक्के कर दिए उन्होंने तो, मतलब अंदर अंदर से। वहां सामने वो हम दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा वो जो यहाँ पे, हाँ वो जो साउंड मेरी बिल्कुल पास में जो पेड़ है वहाँ तक बस आती थी, फिर वहाँ जब हमें यहाँ सामने से बस दिख जानी कि वहाँ पे आ गई है तो फिर हम भाग के जाते थे, और फिर हम बस पकड़ लेते, हमारी स्पीड इतनी होती थी। बट अब हमारी स्पीड चल पाते हैं वही बड़ी, क्योंकि इतनी स्टेमिना नहीं रही कि हम अब पहाड़ों में रहते तो काफ़ी हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है क्योंकि फ्रेश एयर होती है, वर्कआउट यही होता है कि यहाँ पे काम इतना होता है और चलते फिरते इतना रहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी वैसे ही वर्कआउट काफ़ी अच्छा हो जाता है। मामा जी का घर ही इतना बड़ा है, वहाँ तो चलते फिरते ही लाइक कैलोरीज बर्न हो जाती है। और ये यहाँ पे एंट्री जो बेड़ा बोलते हैं हम, बेड़ा यहाँ पे 4-5 घर हैं ऐसे, ये देखो ये बेड़ा है, यहाँ पे 4-5 घर हैं, यहाँ पे हम खेलते थे, यहाँ पे भी हम खेलते थे, ये एरिया में खेलते थे, पहले बड़े सारे लोग होते थे यहाँ पे। बट अब हम भी ऊपर चले गए हैं, ये भी मेरे एक नानी जी का ही घर है, ये भी नानी जी बोलते हैं हम, और ये हमारा पुराना घर है, ये देखो कितना पुराना घर है, विशाल और मस्टल घर है। ये वाली मेन एंट्रेंस है, ये मामा मामी का रूम था और वो नाना जी का रूम होता था ऊपर, और जो ये वाली खिड़की थी मतलब ऐसे ही था, ये सिटिंग एरिया टाइप, तो हम वहाँ से बैठती थी, मैं वहाँ से बैठ के हम देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब कुछ। ये ताले को खोलते हुए स्ट्रगल किया जा रहा है, आपसे नहीं खुलेगा ये देखो, बिल्कुल नहीं खोला जा रहा आपसे, इन्होंने नहीं खोले ताले मम्मा, मेरे को ये नाना ही खोल सकते हैं फिर, सारी चाबी लाए खोल खोल एक निकाल दो चाबी निकालो ना, ये तो बड़ी है तो ये तो लगेंगे दिन में लगने विद्या ही है खोल के चाबी पंगा गया ताले खोल। हम सोच रहे थे कि ऊपर जाएंगे बट कैसे जाएं, लेट मी ट्राई नाउ, नानी जी खोलते हुए ये ये नहीं, ये गलत चाबी लगा रहे थे आप लोग, मामी ने खोला, मामी ने ताला खोल दिया,
क्योंकि इनको चाबी का पता नहीं लग रहा था, मेरे को लगा ही था कई बार दिखता कुछ और है होता कुछ और है। दिस इज द मेन एंट्रेंस, अभी तो ये खाली है। वहां में हमारे एक और बूढ़े नाना जी होते थे, वो वहीं पे सोते थे और यहाँ पे एक टेबल लगा होता था, हम यहाँ पे बैठते थे। फिर जब हम वापस घर जाते तो हमें पैसे देते थे, वो 10-10 रुपए, 5-5 रुपए। ये मेरे मामा जी, ये पता नहीं कौन है, ये इनके कोई आगे है। ये है वो मेरे बुढ़े नाना नानी जी, नानी सॉरी नाना नानी स्टोर है। ये कौन है? ये मतलब ये मेरी नानी है खुद वाली, ये इनकी बुआ और ये फुफड़ जी जो हमारे बुढ़े नाना नानी जी। ये तस्वीर है, ये हैंडसम नूर पता नहीं कौन है, आई डोंट नो, इंदिरा गांधी जी। लेट्स गो। हम ना ये पौड़ियाँ यहाँ से दूर से दिखाती हूँ, और ये पौड़ी वाला ये पोर्शन जो होता था ना, हम यहाँ से हवा लगाते थे, खाना खा लो नाना जी, जो छोटे छोटे थे हमसे उतरा भी नहीं जाता था पौड़ियों से। ये देखो यहाँ पे बर्तन धोते थे, यहाँ पे झूला वगैरह लगा होता था, यहाँ पे भी सामान रखते थे। और ये वाली जिसकी लड़की मैं बात कर रही थी, ये वो है, यहाँ पे मशीन रखी होती थी, यहाँ पे हम कपड़े वगैरह भी सिलते थे यहाँ पे। और ये रसोई एरिया, ढंग से दिख नहीं रहा, लाइट नहीं है यहाँ पे। यस, ये रसोई, यहाँ पे हमें खाना बनाते थे, यहाँ नानी बैठती थी, यहाँ हम लोग यहाँ पे भी चटाइयाँ लगा के हम बैठते थे, खाना खाते थे, बड़ा वो है। और इसे हम तल्लड़ बोलते हैं, तल्लड़ मतलब ऊपर जो होते हैं वो जैसे लकड़ी वगैरह गोटू मतलब उपले वगैरह रखते थे, तो यहाँ से निकालते थे हम लोग। ये है दरवाजे, कितने छोटे होते थे पहले, मेरे नाना जी के तो हाइट काफी बड़ी, झुक के जाते थे वो, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे, तो बहुत पुराना हो गया, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। यहाँ नाना जी का बेड होता था, यहाँ एक और बेड होता जहाँ मैं सोती थी जब मैं आती थी, या नानी सोती थी, वहाँ नाना जी का टेबल होता था, वो खिड़की जो हम पिछली साइड देखते थे, और ये नाना के रूम, यहाँ पे बेड होता, यहाँ नाना का ट्रंक है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें पड़ी होती थी, और जब कई बार नाना होते नहीं थे ना तो मैं खा लेती थी, और यहाँ पे बस वो ट्रंक वगैरह रखते थे सामान के लिए। सो ये सारा है नाना जी का घर पुराने वाला, जहाँ हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी मेमोरीज हैं यहाँ पे। सो देखा आपने हमारे पुराने घर कैसे होते थे, बट जितने पुराने मिट्टी के उतने ही ये ठंडे, गर्मियों में ठंडे सर्दियों में गर्म, और उतना ही इनमें कंफर्ट जोन था। अभी इनकी हाइट इतनी छोटी है बनाई हुई, मैं भी बड़ी हो गई हूँ क्योंकि, तो बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया इस आंगन में, वो इतना खे नहाए हैं वहाँ पे। ये तो अब और टैप लगा दी, पहले बड़ा अच्छा सा होता था पुराने टाइप का, तो नहाते थे मतलब खेलते थे, बहुत ज़्यादा खेला मैं, बहुत ज़्यादा रही मामा के घर। और ये खातरी बोलते हैं इसको, तो इसमें पानी होता है, ये बहुत अंडरग्राउंड वाटर टैंक समझ लो इसको, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो बारिश का पानी भी यहाँ से वो स्टोर करते हैं। और यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले पशु होते थे, ये वॉशरूम था यहाँ पे, यहाँ पहले वो था बड़ा वाला पशुओं का घर था, लेकिन वो जल गया था, तो अभी यहाँ पे कैरियाँ लगा दी है सरसों का, ये और भी चीज़ें। और देखना ये हमारा घर था यहाँ पे, और वो क्या बोलते हैं इसको, एक वॉशरूम बिल्कुल नीचे था जहाँ पे मतलब जाते थे पार्टी वगैरह करने, तो कितना नीचे था, रात को तो डर ही लगता था आने में बंदे को, वैसे ही ना हो कुछ। ये और यहाँ से नीचे जाके
बहुत नीचे नीचे जाके खेत ही खेत है, जहाँ से घास लाते थे, गोबर फेंकते थे मम्मी के साथ जब हम छोटे होते थे। काफ़ी इंजॉय किया, अब मेमोरीज ही हैं जो भी शेयर्स फॉर लाइफ टाइम। नाउ वी आर गोइंग बैक, और यही वो सक्सेस है जो गलत चाबी ताले में गलत चाबी डाल रहे थे। इन्होंने ताले को अंडर एस्टिमेट किया कि ये छोटा तो इसमें चाबी बड़ी नहीं लग सकती, यही थे, यही नहीं मेरे दिमाग में आया था उस वक्त कि गलत लगा रहे, नहीं इसको खोलना मत, इसमें ताजा पानी डालता है। अब हम वापिस जा रहे हैं, हमें शगुन मिला नाना एक और नानी यहाँ से मिलके, हम वापिस जा रहे हैं। भागो, लात मारेंगे ये, नहीं सर सर मारेंगे सर, मिंडा बोल देना, मिंडा मिंडा पेड़ी हो, पैर नहीं मार दिए, ए लम्बा लेट हो जावा बंदर, ये कहना पड़ जाओ तुम। अब नाना जी के घर से हम वापस आ गए वहां से, अब हम अंकिता से मिलने जा रहे, उसका बर्थडे आज, अभी हम हमीरपुर के मार्केट में है जो कि सारी बंद है, संडे है क्योंकि, और विशाल हमने कल घूमना था लेकिन विशाल ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया, अब आ जाए तो मार्केट बंद है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे इतना सामान मिलता है, वो भी सस्ता सस्ता सेल लगी होती है अच्छी अच्छी, बट अपनी किस्मत में हम चलो तो चलते हैं। ये भी सीधी चढ़ाई है, हिमाचल में चढ़ाई क्या कुछ इतना, चल चल के ना साथ। कितना दूर है, फास्ट फूड, भाई हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, इतने दूर बस ये केला केला खाया जा रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं इतना खाने में, ये है इनको पता था ना बर्थडे सीधा कर देना, पहले उला आधार कार्ड बेटा, आधार कार्ड दिखाओ अपना, अब टेस्टी टेस्टी मोमोज खा के वी आर गोइंग बैक टू चंडीगढ़। इस लड़की का बर्थडे था, कितने साल की होगी, होगी बुड्ढी बुड्ढी गई गई अब, नहीं नहीं होगी बुड्ढी अब, चलो गाइज अब हम चलते हैं, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, से बाय अंकु, बाय ए तो नहीं बोलते, चलो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर।